दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कैसे ब्लूटूथ से दूसरे फ़ोन में डेटा शेयर कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाकर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पर जाना है और हॉटस्पॉट एंड टीथरिंग में ब्लूटूथ टीथरिंग को इनेबल करना है। ऑब्वियसली आपका ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। जिस फ़ोन में डेटा दोगे उसमें ब्लूटूथ को ऑन करना है और डिवाइस को पेयर करना है। उसके बाद पेयर डिवाइस में क्लिक करके इंटरनेट एक्सेस ऑप्शन को इनेबल करना है। कनेक्टेड हो गया। अब इस फोन में ब्लूटूथ की मदद से पेयर डिवाइस से इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा ऑफ है। आप कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं, यूट्यूब ऐप को ओपन किया। ब्लूटूथ से इंटरनेट शेयरिंग वाईफाई हॉटस्पॉट से थोड़ा स्लो डेटा ट्रांसफ़र करता है, इसलिए लोडिंग हो रहा है और इसको कोई भी दूसरे लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इंटरनेट स्पीड स्लो मिलेगा। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल को सर्च करते हैं, थोड़ा लोडिंग हो रहा है। आने वाले समय में ब्लूटूथ सिक्योर हो जाएगा। अभी ये वर्सन 5 पे है और प्रीवियस वर्सन से क्विक डेटा एंड फाइल ट्रांसफ़र करता है। फर्स्ट ब्लूटूथ वर्सन 5 सैमसंग गैलेक्सी S8 फोन में आया था। अब ब्लूटूथ वर्सन 5 ट्रेंड बन चुका है, सभी फ्लैगशिप और मिड रेंज फ़ोन में आ रहा है। और ब्लूटूथ रिक्वायर्स बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपका डिवाइस में ब्लूटूथ हार्डवेयर नहीं है तो आप बाहर से ब्लूटूथ USB डंगल लगा सकते हैं अपना कंप्यूटर या PC पे। ये है मेरा चैनल का होम पेज। आप ऊपर देखिए मोबाइल डेटा ऑफ है और नोकिया 3 फोन से इंटरनेट ले रहा है ब्लूटूथ की मदद से। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।